बॉलीवुड का सच, सिंगिंग में फेम चाहिए या टैलेंट? जितना ये क्लिक बेट है, जितना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उतना ही ये एक सीरियस टॉपिक है म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर, या यूं कहें कि संगीत में काम मिलने को लेकर। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने से लेकर एक किसी लेबल के अंडर काम करने तक की जर्नी, इस पर थोड़ा बहुत जो मेरे विचार हैं, जो कुछ मैंने जाना सीखा है, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से, पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी की आइडियोलॉजी को समझा है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उनके अनुभव और अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। पूरा वीडियो देखिएगा और जानिए कि कैसे मिलता है संगीत में काम, कैसे आपको फेम मिलती है और टैलेंट का कितना कद्र है यहाँ और कितनी नहीं। संगीत धरा SPW, संगीत प्रवाह वर्ल्ड का अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड, iOS और डेस्कटॉप तीनों पे अवेलेबल है। वीडियो कॉल पर क्लासेस हो रही हैं, अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और परचेज कीजिए हमारे सारे कोर्सेज और सीखिए। इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब की जनरेशन है, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से अगर कोई प्रख्यात होना चाहता है, प्रसिद्ध होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है आजकल फेमस। कुछ भी आप अजीब सा, कुछ यूनिक सा आप करिए, आप फेम पा लेते हैं, आपकी एक अपनी ऑडियंस बन जाती है। वहाँ पर कई विवाद उठते हैं कि यार इसमें तो वो टैलेंट भी नहीं है, ये तो कोई ऐसा खास ना तो गाता बजाता है, ना नाचता है, ना कुछ इसमें काम है, पर फिर भी ये फेमस हो रहा है। तो हम यहाँ समझेंगे कि कैसे ट्रेंड्स काम करते हैं, कोई भी आदमी ट्रेंड कैसे बन जाता है, किसी का भी काम ट्रेंड कैसे बन जाता है, और कैसे वो बनता है और तुरंत ही बिगड़ जाता है। तुरंत ट्रेंड उठता है, फिर एक नया ट्रेंड आ जाता है, तो वो पुराना जो ट्रेंड आया था उसको अब कोई नहीं पूछता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपसे क्यों साझा कर रहा हूँ, शेयर क्यों कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। छोटा सा किस्सा है, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी का ही किस्सा है, कि कैसे संगीत प्रवाह वर्ल्ड शुरू हुआ और किस मकसद से वो भी इस लाइन में आए थे। हर कोई संगीत में फेम पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी एल्बम्स निकलें, उसके म्यूज़िक वीडियोस निकलें, उसको व्यूज़ मिलें, उसे ख्याति प्राप्त हो, उसे फेम मिले, है ना, प्रसिद्धि मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, पैसा कमाए, ये सबका ख्वाब होता है, म्यूज़िक में हो या किसी और फील्ड में हो, बस ये सब चाहते हैं ये चीज़। मेरे पिताजी भी यही सोच के संगीत में आए, कि उनको भी जाहिर है उस समय कैसेट्स का ज़माना था, तो उन्हें अपने कैसेट्स निकलवानी थी कि हमारे भी नाम के कैसेट्स निकले, और वो खुद लिखते, खुद कंपोज करते थे, खुद गाते थे, तो एक ही उनके लिए बेनिफिट था कि उनको किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े कि भाई आप हमारा गाना लिख दो या आप कंपोज कर दो। उन्होंने खुद ने जैसा तैसा उन्हें आता था, सीखा न सीखा, वो वैसा उन्होंने करके एक लेबल के पास गए, उस लेबल का नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पर। मगर जब उस लेबल के पास गए, तो उस लेबल ने, म्यूज़िक लेबल ने पिताजी से एक सवाल किया कि आपकी ऑडियंस कितनी है। तो पिताजी चौंके थोड़ा कि भाई ऑडियंस मतलब क्या, मैं तो आपके पास आया हूँ कि आप मेरी ऑडियंस बनाएंगे, आप मुझे बेचेंगे, मेरा जो कंटेंट है वो बेचेंगे, तो मेरी ऑडियंस बनेगी। तब उस लेबल ने कहा कि नहीं, हम क्यों रिस्क लें आप पर, आप एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट नहीं हैं, आप पर हम पैसा लगाएंगे, एज अ प्रोड्यूसर हम आप पर पैसा लगाते हैं और आपको हम मार्केट में निकालें, तो क्या गारंटी है कि आपका जो कंटेंट है वो बिकेगा, आपके गाने लोग सुनेंगे। तो बात में दम था, लॉजिकल बात है, क्यों कोई प्रोड्यूसर किसी नए उभरते कलाकार पर पैसा लगाना चाहेगा, रिस्क क्यों लेना चाहेगा। तो सीधी बात थी, उन्होंने पिताजी को कहा, एक फलां रकम बताई और कहा कि इतना पैसा आप हमें जमा करा दीजिए, तो हम रिस्क ले लेंगे, आपका मार्केट में हम निकाल देंगे गाना। अब ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि इतना पैसा उस ज़माने में, उस टाइम पर उनके पास अवेलेबल नहीं था, कोई उनके बैक मतलब कोई गॉडफादर नहीं है, कोई ऐसा किंग मेकर टाइप कोई नहीं है, वो खुद अपना काम खुद लेके चलें, कोई बैक सपोर्ट नहीं है कि जो उन पर पैसा लगा रहा हो, खुद की कमाई है, खुद से ही वो गाना बनवाना चाह रहे हैं, बस उनके टैलेंट के दम पे वो चीज़ नहीं चली वहाँ पर। तो उनको ये हिदायत दी गई, ये सलाह दी गई कि जाइए आप अपना पहले ऑडियंस बेस तैयार कीजिए, फिर आइएगा हमारे पास, तो हम रिस्क लेने को तैयार हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आपका मार्केट में हम निकाल देंगे गाना। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी ऑडियंस कैसे बनाऊं। तो उस समय जो चीज़ अवेलेबल थी, उन्होंने छोटी छोटी प्रोग्राम्स करने शुरू किए, म्यूज़िक क्लास खोली और इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी, जिससे आज हम लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और धीरे धीरे उन्होंने ये सोचा कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे लिसनर्स बन जाएंगे, और इवन उनके पेरेंट्स जो हैं वो मेरे लिसनर्स बन जाएंगे, तो इस तरह से मेरी एक ऑडियंस बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे, खैर,
उनका रुझान जो है सिखाने की तरफ ज़्यादा हो गया। उनको जब ये दिखा कि संगीत में शिक्षा जो प्रणाली है वो किस तरह से चल रही है, लोग कैसे सीख रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, कोई सिलेबस नहीं है, कुछ ढंग का तरीका नहीं है, विधिवत नहीं है कुछ भी, सब लोग अपने अपने तरीके से बिखरा हुआ सिखा रहे हैं, तो फिर उन्होंने कलाकार बनने के बनिस्बत गुरु बनना जो है उचित समझा, तो वो इस लाइन में आए और इसके सिलेबस को उन्होंने थोड़ा सा ठीक किया, स्ट्रक्चर किया और आप सभी लोगों तक पहुँचाया। खैर, इस कहानी से हमें ये जानने को मिला कि कैसे हम ऑडियंस बेस बनाए बगैर फेम नहीं पा सकते, हम लॉन्च नहीं हो सकते, और यही चीज़ बॉलीवुड में भी होती है। जाहिर सी बात है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। हमें लगता है कि टैलेंट कम है, टैलेंट बहुत है, लोगों में भर भर के पड़ा है। बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बहुत अच्छा बजाने वाले हैं, संगीत की समझ रखने वाले हैं, मगर उन्हें चांस नहीं मिल रहा है। क्यों चांस नहीं मिल रहा है? क्योंकि प्रोड्यूसर उन पर पैसा क्यों लगाएगा, रिस्क क्यों लेगा? किसी भी न्यू कमर पे रिस्क लेना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम अपना ऑडियंस बेस आपको दें तो आप में ऐसा क्या खास है जो हमारा ऑडियंस बेस आपको देंगे। आज हमारे पास 6.5 लाख की पब्लिक है SPW के चैनल पर, मेन चैनल जो हमारा है। किसी भी नए आर्टिस्ट को मैं चांस दूंगा तो क्यों दूं? या तो वो मुझे कुछ पे करे, या तो मैं उससे पैसा लूंगा और उसे चांस दूंगा। जाहिर बात है, इसी तरह से सब लोग काम करते हैं। ये कड़वा सच है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज़ में पैसा बहुत लगता है। या हमारी कोई पहचान हो, या तो आप मेरे कोई परिचित हैं, या मेरा आपसे कुछ अच्छा रिश्ता है कि मेरा कुछ काम आपसे निकल रहा हो तो मैं आपको अपने चैनल पे चांस दूंगा, वरना मैं क्यों दूंगा, है ना। या फिर आपकी एक ऑडियंस बेस है ऑलरेडी, आप एक पब्लिक फिगर हैं जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, तो मैं आपका एक वीडियो डालूंगा तो उस पर निश्चित इतने व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे, इतने लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, तो मतलब मेरा मुनाफा तो हो ही जाएगा। इसी तरह से सब लोग काम करते हैं, इवन इन द इंडस्ट्री। वहाँ पे भी जो प्रोड्यूसर्स पैसा लगा रहे हैं वो किसी भी न्यू कमर पे पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचते हैं। अगर आपने कोई फिल्म की स्टोरी आपके पास लेके आया है या कोई गाना लेके आया है, और ये अगर तय है आपके पास कोई फेमस पब्लिक फिगर है, जैसे मान लीजिए अरिजीत सिंह है, तो कोई नया जो प्रोड्यूसर है ना वो भी ये सोचेगा, हाँ इस पर तो हम लगा सकते हैं पैसा क्योंकि श्योर शॉट है कि हमें हमारा रिटर्न जो है मिल जाएगा। तो एक ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन हाँ ये नहीं कहूँगा कि यही एक रास्ता है। बहुत ऐसे भी हैं जिनका नसीब चमका है, जिनकी किस्मत चमकी है कि बिना किसी ऑडियंस बेस के उन्हें चांस मिला वहाँ पे, लेकिन बिना किसी कनेक्शन के चांस मिला हो ये मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, नेपोटिज्म है बॉलीवुड में कि पहचान के बगैर नहीं जाया जा सकता, तो कहीं ना कहीं ये सच भी है और कहीं ना कहीं नहीं भी है ना। सच ज़्यादातर है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से, जो सिर्फ बिना किसी कनेक्शन के वहाँ पे अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन वो भी उतनी नहीं बना पाते जितनी कि ऑलरेडी पहचान वालों की है। तो हम इस चीज़ से तो वाकिफ़ हैं और ये कड़वा सच है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड एक्सेप्ट करना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और इस परिपाटी को तोड़ना चाहिए कि द डिज़र्व्ड, यू नो, द डिज़र्विंग शुड बी गिवन द चांस, नॉट द रिज़र्व्ड। कि ऑलरेडी वो किसी की पहचान वाला है तो उसको चांस मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यही तरीका है इवन इन द इंडस्ट्री, और यही तरीका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक माध्यम बन सकता है कि आप इस तरीके से उभर सकें। यानी कि ये जो समस्या आए कि हमारा कोई ऑडियंस बेस नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है, इससे उभरने के लिए आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, आप फेसबुक का, आप डिजिटल मीडिया का सहारा लीजिए, अपनी ऑडियंस क्रिएट कीजिए, अपना खुद का कॉन्टेंट क्रिएट कीजिए, लोगों तक पहुँचिए, अपनी एक पहचान बनाइए, फिर देखिए आपको लोग अपने आप उठा लेंगे, मतलब आपको वो चांस देंगे, है ना। बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं ऐसे, इवन हनी सिंह बहुत अच्छे रैपर हैं वो, तो उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, खुद की एल्बम्स निकाली, खुद के गाने निकाले, एंड द बॉलीवुड कॉट हिम, है ना, बॉलीवुड ने पकड़ लिया, बोला हाँ यार ये एक बंदा है, इसकी अपनी एक ऑडियंस है, इन्हें हम चांस दे सकते हैं। उस्मान मीर साहब गुजरात के बहुत फेमस सिंगर हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, प्रोग्राम्स किए, अपने खुद के गाने गाए, दूसरों के गाने गाए, गज़लें गाई, भजन गाए, उनकी एक परिपाटी चली, धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उन्हें उठाया, देखा कि गुजरात इंडस्ट्री से वो आए, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि उनकी एक अपनी ऑडियंस है, अपना एक ओहदा है, उनकी अपनी एक पहचान है। तो दिस इज़ हाउ यू नो द थिंग्स वर्क, कि आपको पहले अपनी पहचान, अपना ऑडियंस बेस बनाना पड़ता है। आपको स्ट्रगल अगर करना है तो जाहिर है ये आपका स्ट्रगल है, है ना। आपका यही स्ट्रगल नहीं है कि आप बंबई जाएंगे और वहीं जाके फिर आपको प्रोड्यूसर्स के धक्के खाने और म्यूज़िक कंपोजर से या म्यूज़िक डायरेक्टर से दर दर उनके स्टूडियो में भटकना है। ज़रूरी नहीं है वो एक तरीका हो, एक तरीका ये भी हो सकता है अपनी पहचान बनाइए खुद, ताकि वो लोग आप तक पहुँचे, है ना। तो ये एक तरीका है, ये एक सीखने की चीज़ है, और यही एक कड़वा सच है। हमें हमारा ऑडियंस बेस, हमारी जनता हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारे सुनने वाले कितने लोग होंगे, जिसे हम कहते हैं ना बड़ी आम भाषा में कि हमारे फैंस,
है ना, हमारे चहेते कितने हैं कि जो हमें चाहते हैं, जो हमें सुनेंगे, जो जाहिर बात है कि हमें वहाँ टिकने देंगे। अगर आज इंडस्ट्री में उनके फैंस कम हो जाते हैं तो प्रोड्यूसर्स उन पर पैसा नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके गाने चलना बंद हो गए। ऐसा नहीं है कि उनका टैलेंट कम हो गया, है ना। तो इस चीज़ को आप जानिए कि टैलेंट और फेम में कहीं ना कहीं जो फेम है वो उसका पलड़ा भारी रहता है कि जब तक आपकी फेम बनी हुई है आप ऊंचे रहते हैं। लेकिन यही बात कहूंगा कि जो असली टैलेंट है वो हमेशा रहता है, सदा बाहर रहता है। उसे भले ही फेम ना भी मिली हो तब भी वो सदा बाहर रहता है, लोग उसे सुनते हैं। कम लोग सुनेंगे लेकिन गुणी श्रोता उसे सुनेंगे, गुणी लोग उसे देखेंगे, जानेंगे, उनकी पहचान करेंगे। तो दोनों तरीके हैं, आप देख लीजिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है। क्या आपको सच्चाई का रास्ता चुनना है, क्या आपको टैलेंट का रास्ता चुनना है, क्या आपको हार्डवर्क का रास्ता चुनना है जिसमें कि ऑडियंस कम मिलेगी, है ना आपको, क्योंकि उसमें आप कुछ उलझुलूल, कुछ ऊटपटांग नहीं कर रहे होंगे, अजीब सा कुछ नहीं कर रहे होंगे। आप बड़ा सच्चा संगीत है आपका, बड़ा सच्ची कला है आपकी, आप उसी को फॉलो कर रहे होंगे, उसी पर आप चल रहे होंगे, कुछ अजीब नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन तब भी आप अपना एक नाम बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनेंगे, है ना। जगह जगह प्रोग्राम देखिए, संगीत लाइन में एक दिक्कत है। संगीत क्या, मैं तो कहूँ शायद ये पूरी कला जगत की ही एक विडंबना है कि इस लाइन में बाइज्जत तरीके से काम करना और कमाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें अजीबोगरीब काम करने पड़ जाते हैं संगीत में। या तो आप नौकरियां कर लीजिए, म्यूज़िक में करियर में एक ही ऑप्शन आता है, या तो आप नौकरी कर लो। नौकरी कर लोगे तो जाहिर है आपका संगीत लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि आपको वही चार काम करने हैं और आपको घर बैठे पैसा मिल रहा होगा तो कौन ही काम करना चाहेगा। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो नहीं कर पाते हैं फिर संगीत, उनका बहुत ही बंद के रह जाता है। या फिर आप शोज़ कीजिए, और शोज़ की शुरुआत ऐसे तो हो नहीं सकती है, आपको पहले दूसरों के गाने गाने पड़ते हैं क्योंकि आपका ऑडियंस बेस ही नहीं है। कोई आपका नया गाना क्यों सुनेगा? आप रेस्टोरेंट्स में गा रहे हैं, शादी पार्टियों में गा रहे हैं, कैफ़ेज़ में गा रहे हैं, है ना, और छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज से आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वहाँ जाके आप प्रोग्राम कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, आप माता के जागरण कर रहे हैं, चौकी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही बडिंग स्टेजेस होती हैं कलाकार के लिए, ये सारी चीज़ें ही वो करता है। या फिर वो यूट्यूब पर आ जाता है। अब यूट्यूब पर भी आने के बाद लोगों को लगता है यूट्यूब पैसे का पेड़ है, आते ही ऑडियंस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, यू नो, उसमें धीरे धीरे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, तब जाके लोग आपको जानते हैं, तब जाके आपका एक ऑडियंस बेस बनता है, तब जाके आपको वहाँ से काम मिलता है। हमें अर्निंग की इतनी जल्दी होती है कि हम लर्निंग का प्रोसेस स्लो कर देते हैं, हम सीखते ही नहीं हैं। और कमाने एक बार जो इंसान लग जाता है वो सीखना कहीं ना कहीं बंद कर देता है, या उसका बंद हो जाता है सीखना, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है न रियाज़ को, न गुरु के साथ बैठने को, उनकी संगत करने को, न चीज़ें ग्रैप करने को, और ना ही हमारा कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि अब मैं क्यों सीखूँ, मेरे को तो आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, तो ज़रूरत क्या है, है ना कहीं वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। तो ये बाध्यताएं हैं, ये बंधन हैं, ये एक क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे सीखने में, हमारे कमाने में और संगीत में रहने में। तो अगर आपको वाकई कुछ करना है, तैयार होना है, फेम चाहिए, मशहूर होना चाहते हैं, तो एक अपना बेस बनाइए ऑडियंस का। लेकिन इसको भी मैं इस तरह से इस बात को समअप करूँगा। पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू था जिसमें मैंने ये बहुत अच्छी बात सुनी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वाकई ये चीज़ जानकर। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी तस्वीर नहीं बनना चाहता हूँ जिसे देखकर लोग अचंभित हों और आगे बढ़ चलें, कि बस देखा अरे वाह क्या बात है और आगे बढ़ चले। नहीं, मैं वो तस्वीर बनना चाहता हूँ जिसके सामने घंटों लोग खड़े रहें और संशोधन करें, एनालिसिस करें, लेयर बाय लेयर उसको देखें कि अरे वाह इसमें ये भी चीज़ें, इतनी बारीकियाँ हों मेरे काम में, इतनी डिटेल्स हों मेरे काम में। तो ये एक बात है, अगर आपको इस तरह का कलाकार बनना है तो आपको थोड़ी जो फेम है वो थोड़ी कम मिलती है लेकिन आपका काम बहुत अच्छा होता है। फेम कम से इन द सेंस आप ऐसे लोगों में कम फेमस होते हो क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो कला को कम समझने वाले हैं, है ना, नहीं समझते हैं, तो जाहिर है उनमें फेमस होना बड़ा आसान हो जाता है कि आप कुछ भी करोगे तो वो पसंद कर लेंगे। लेकिन वाकई जो सूक्ष्म कला के दर्शी हैं, जो सूक्ष्म कला के प्रेमी हैं, कि जो जानते हैं, डिटेल देखते हैं उस कला में कि क्या इसमें ये सुरसुरावट है कि नहीं, लय ताल है कि नहीं, मेलोडी है कि नहीं, है ना, या फिर आपका अभिनय है तो उसमें आपकी कला में वो बारीकियां हैं कि नहीं, तो वो बहुत कम लोग हैं। तो वो आपको जानेंगे तो जाहिर है कि आपका ऑडियंस बेस कम रहेगा, अनलेस कि आप कुछ उलझुलूल करें, अटपटा करें, जो ट्रेंड के साथ चल रहा हो वैसा कुछ करें। उसी इंटरव्यू में पंकज जी ने एक और बात बोली थी, उसको भी मैं बोल के ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा कि मैं चर्चित नहीं, यादगार बनना चाहता हूँ। आप सोचिए इस छोटी से सेंटेंस पर तो आपको मेरी पूरे जो आज का वीडियो है इसका क्रक्स आपको मिल जाएगा कि चर्चित नहीं, यादगार बनना चाहता हूँ। मैं भूसे की आग नहीं बनना चाहता हूँ कि जो तुरंत लगी, बहुत एकदम लपट आई उसकी, लेकिन जल्दी से बुझ भी गई। इसे कहते हैं चर्चित होना, चर्चा में आ जाना, लोग बातें करने लग जाएं आपके बारे में, अरे यार वो सिंगर आया, लेकिन कल कोई और आ गया,
है ना। तो यादगार वो बनते हैं जिसका काम में बारीकियां होती हैं, जिसके काम में वजन होता है, जिसमें शुद्धता होती है। तो प्योरिटी लाइए अपने काम में, सीखिए, तो आप देखिए यादगार बनेंगे, आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। आपको 10 साल 20 साल आपको कोई भूलेगा नहीं, उसके बाद भी लोग 100-100 साल तक आज भी याद कर रहे हैं पुराने संगीतकारों को, कलाकारों को। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उनके काम में शुद्धता थी। बहुत कम लोग हैं आज, जाहिर सी बात है कि जितने लोग अरिजीत सिंह को नहीं जानते हैं, अरिजीत सिंह को जानते हैं उतना पंडित जसराज को नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये कहें कि पंडित जसराज कम टैलेंटेड है और अरिजीत सिंह ज़्यादा टैलेंटेड है, तो ये कहना गलत होगा। दोनों अपने अपने जॉनर में अपना दखल रखते हैं, अपना टैलेंट रखते हैं, अपना काम रखते हैं, मेहनत रखते हैं, और जाहिर सी बात है सबका अपना ऐसा ही ऑडियंस बेस बनता है। तो वर्सेटैलिटी लाइए, एक ये भी पॉइंट हो सकता है अपना ऑडियंस बेस बनाने के लिए। ज़्यादा वर्सेटाइल यानी जो हर काम कर सकता है, गाना गाता भी है, लिखता भी है, बनाता भी है, प्रोड्यूस भी करता है, इवन ऑन द कंप्यूटर उसका पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग सब वो कर लेता है। मल्टी टैलेंटेड है, जिस पर मैं ऑलरेडी भी बात कर चुका हूँ, और अलग अलग जॉनर में अपना दखल रखता है, तो वो ज़्यादा प्रसिद्ध होगा, वो ज़्यादा कामयाब होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल को। कुछ ना कुछ ऐसे ही मैं यूनिक टॉपिक आपके सामने लाता रहूँगा जिस पर बात करना ज़रूरी है, जिससे सीखना ज़रूरी है। शुक्रिया।